बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप टाइटल से जान गए हैं, ये वीडियो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में है। ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है मेरे हाथ में। हम इस वीडियो में इसके ऊपर बहुत तफसीली बात करेंगे और कुछ थ्योरी भी मैं आपको इस पेपर के ऊपर दिखाऊँगा। बात हो रही है इस कॉन्टैक्टर की, ये क्या है इसके बारे में बात होगी। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जो लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत करामत वीडियो है। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही करामत हो सकती है। तो आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि आपको इसकी पूरी चीज़ों का पता चले। इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो कि बात होती रहेगी, इसके ऊपर चर्चा होता रहेगा। लेकिन मैं एक शुरू में एक ही जो है तो पहले मिनट में आपको मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बारे में ये क्या है, ये आपको हर जगह नज़र आते हैं इंडस्ट्री में, ये इनका बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये स्विच है, एक्चुअली स्विच, ठीक है जी। ये 3 फेस पावर को स्विच करने के काम आता है और स्विचिंग डिवाइस है। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के जहनों में मौजूद हैं। कुछ लोग इसको प्रोटेक्टिव डिवाइस समझते हैं, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक स्विच है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसलिए इसका नाम कॉन्टैक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक तरीके से ये ऑन ऑफ होता है, इसलिए इसका नाम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। और कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे हैं, ये इसके ये टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे, ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, कुछ NC होते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये NC लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये यहाँ पर भी NC लिखा हुआ है, यहाँ NO लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे NO लिखा हुआ है, यहाँ पे NC लिखा हुआ है। ये नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, ठीक है जी। इस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं इसके अंदर। और इसके नीचे के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये वाले 2T1, 4T2, 6T3, ठीक है जी। यहाँ पे लिखे हुए हैं L1, L2, L3, ठीक है जी। ये जो हैं, ये 3 फेस के कॉन्टैक्ट हैं। ये 3 आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ 3 नज़र आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 फेस की पावर इन होती है और 3 फेस की पावर आउट हो जाती है, ठीक है। और ये मोटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर पे, लेकिन इसके अलावा इसका इस्तेमाल इंडक्टिव लोड, हीटिंग, रेजिस्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड को पावर फैक्टर करेक्शन में, ठीक है जी, इन तीनों किस्म के लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साइड पे आपको एक लेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसकी किलोवाट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो टिपिकल किलोवाट लिखे हुए हैं वो ये हैं, 200-220 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 किलोवाट है, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। और अगर 7.5 किलोवाट्स हैं, अगर आप 400 वोल्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप 500-600 वोल्ट तक जाएं तो फिर ये 10 किलोवाट हैं, ठीक है जी। ये एम्पेयर्स के हिसाब से वेरी करता जाता है, किलोवाट्स बढ़ते जाते हैं जितने वोल्टेज आप बढ़ाएं, क्योंकि एम्पेयर्स कम हो जाते हैं मोटर के बड़ी मोटर वोल्टेज के वोल्टेज पर, लेकिन ये 500-600 वोल्ट से ऊपर नहीं इस्तेमाल होता, ये जहन में रखिए। जो बड़ी MV मोटर्स हैं, MV मोटर का मतलब जो है मीडियम वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज मोटरें हैं, जैसे 6000 वोल्ट की, 6 किलो वोल्ट की, वो मैं आपके अपने चैनल पर आपको वीडियोज़ दिखाता रहूँगा, उसमें ये चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। उसमें ये नहीं इस्तेमाल होता, ये सिर्फ LV मोटर्स के लिए है, जो छोटे वोल्टेज 380 वोल्ट, 400 वोल्ट, 480 वोल्ट, 600 वोल्ट, इस स्टैंडर्ड पे 220 वोल्ट, इस पे ये इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। अच्छा, इसके बारे में अब थोड़ी सी तफसील कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। आपको जैसे कि पता है कि बिजली के अंदर 3 फेज होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके अगर मैं आपको कलर रिप्रेजेंटेशन दूँ तो एक होता है रेड, इसको मैं लिख देता हूँ R, दूसरे होते हैं Y, येलो, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये कलर भी आपको बता दिए, दिखा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट है RYB, इस तरह से ब्लू, ठीक है। ग्रीन भी वैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि ग्रीन कहाँ पे होता है, ठीक है। बहरहाल ये कलर्स हैं वायर के, और वायर के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए। अंदर इसके कॉपर होता है, कॉपर का एक ही रंग होता है, वो दुनिया में स्टैंडर्ड है, लेकिन ऊपर इंसुलेशन का रंग ही अलग अलग कर देते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और की जाती है, इसको L1, L2 और L3 भी लिखते हैं, ठीक है जी, L3 इस तरह से। अच्छा, इसको R, S और T भी लिखते हैं, इसके अलावा इसको U, V, W भी लिखते हैं, ठीक है। ये इसके डिफरेंट नाम है, लेकिन हैं 3 फेज, 3 तारें, ठीक है। अच्छा,
अब मोटर में क्या होता है, मोटर के लिए एक पूरा सर्किट होता है जिसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट आपको बनाता हूँ जिसमें सिर्फ ये चीज़ होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगी, कोई भी चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। बाद में प्रोटेक्शन वाले सर्किट भी आएंगे, कोई प्लीज़ इसको गलत ना कहिएगा, क्योंकि मैं इस वक्त आपको सिर्फ एक सिंपल थ्योरी एक आम आदमी को समझाने के लिए कर रहा हूँ। वरना तो मुझे पता है कि मोटर का सर्किट में सबसे पहले तीन फेज़, उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर, उसके बाद फिर ओवरलोड, उसके बाद फिर कॉन्टैक्टर, उसके बाद मोटर, ये तीन चार डिवाइसेस इस तरीके पे तरतीब से लगी होती हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ कॉन्टैक्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, इस कॉन्टैक्टर को मैंने यहाँ पे मोटर का सर्किट नहीं डिस्कस करना, बल्कि सिर्फ कॉन्टैक्टर का पर्पज़ आपको बताना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्या करता है, एक मोटर को चलाने के लिए अगर आपके पास यहाँ पे मोटर है, ठीक है, थ्री फेज मोटर, तो उसकी तीन तारें होती हैं, इस तरह के तीन वायर्स होती हैं उसकी, ठीक है। इसको थ्री फेज सप्लाई से मिलाना पड़ता है। थ्री फेज सप्लाई से मिलाने का तरीकाकार ये है कि आपको यहाँ पे एक स्विच लगाना पड़ता है जो कि तीन फेज़ों को, ये वाले तीन फेज़ जो आ रहे हैं, इनको स्विच कर दे मोटर पे, ठीक है, इन वायर्स के साथ इस तरीके से मिलाना पड़ता है। अब आपका ये जो स्विच है, जो मैंने यहाँ पे स्विच लगाया है, तीन कॉन्टैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कुछ लोग इस तरह से भी बना के दिखाते हैं कुछ डायग्राम्स के अंदर, ठीक है जी, मुख्तलिफ तरीके हैं, और कुछ इस तरह से भी बनाते हैं कैपेसिटर की तरह। ये देखें, ये कैपेसिटर के साथ इसको कन्फ्यूज़ ना करें, ये कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा, ये है MC, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसको K भी लिखते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्टर, इसको MK भी लिखते हैं, इसको मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है जी। ये इससे परेशान कभी मत होइएगा कि ये MK है, K है, MC है, बहरहाल ये कॉन्टैक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये उसकी पावर साइड हो गई, इसके तीन फेज हमने कंट्रोल करने हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है वो मैं आप सबको सब तफसील दिखाता हूँ। इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं और एक कॉयल होती है। यहाँ आप देखें, यहाँ इसकी कॉयल है, ये लिखी हुई है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट 50 और 60 हर्ट्ज़, ये M7 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कॉयल है इसकी। जब इसको हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पे इसके टर्मिनल हैं, ये देखें A1 और A2, ये इस तरह के इसके दो टर्मिनल हैं। अगर इन टर्मिनल्स पे 220 वोल्ट सप्लाई लगाई जाए तो ये ऑन हो जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह आवाज़ भी देता है और ऑन भी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। और उस वक्त ये जो फेज़ हैं, ये वाला टर्मिनल इससे मिल जाता है, ये टर्मिनल इससे मिल जाता है, ये टर्मिनल इससे मिल जाता है, और तीन फेज़ की सप्लाई जो यहाँ पे हमने अप्लाई की होती है, ये यहाँ पे आने लगती है और मोटर को चला देती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये और कॉन्टैक्ट के सेट हैं जिसमें NO NC, ठीक है। NO क्या होता है, नॉर्मली ओपन होता है, जब ये मिलता है तो तब ये क्लोज़ हो जाता है, और NC, ठीक है जी, नॉर्मली क्लोज होता है, जब ये कॉन्टैक्टर मिलता है उस वक्त ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये ज़रूरत के हिसाब से ये कॉन्टैक्ट जो ऊपर इसके लगे हुए हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी कभी ये यहाँ साइड पे भी होते हैं, ठीक है जी, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब आपको समझना है, अगर आप समझ गए तो फिर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ मोटर को चला सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ गए। अच्छा, अब इसकी बात की जाए कि किस तरीके से अंदर से क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से ये किसको किसी भी तरीके से खोल सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से बंद किए होते हैं, कभी कभी यहाँ स्क्रू होते हैं, कभी यहाँ साइड्स के ऊपर वो बने होते हैं, लॉक्स बने होते हैं, यहाँ पे लॉक्स दिए गए हैं। ये देखें, इसमें अगर स्क्रू ड्राइवर डालें, ठीक है, थोड़ा सा दबाएंगे तो ये इस तरह से खुल जाता है। अच्छा, एक साइड खुल गई, अभी दूसरी साइड के ऊपर भी मैं एग्जैक्टली सेम कर रहा हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे तो ये खुल जाता है। ये देखें, ये खुल गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अंदर इसके एक ये वाला एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को हम निकाल लेते हैं। स्प्रिंग की वजह से ये हमेशा ओपन रहता है ऊपर, ठीक है, लेकिन जब मैग्नेट बनता है तो ये इस तरह से खींच जाता है मैग्नेट की तरफ। मैग्नेटिक कॉयल इसमें ये है, ये कॉयल मैग्नेटिस बनाती है, इसको मैग्नेटिस बन जाता है तो ये अंदर चला जाता है, और ये इस तरह से, ये देखें, कॉन्टैक्ट अंदर मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट का हिस्सा है, और ये इसके अंदर कोर है, ये हाफ कोर यहाँ पे है, हाफ कोर यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद कॉयल है, कॉयल को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉयल है इसकी, और ये दो इसके टर्मिनल हैं, यहाँ और यहाँ, ये 220 वोल्ट की कॉयल है, पतली तार से वाइंड की गई है, इसमें जब 220 वोल्ट देते हैं तो ये इसको मैग्नेट बना देता है, और इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इस वाले हिस्से को, ये दोनों हिस्से आपस में मिल जाते हैं और ये कॉन्टैक्ट ऊपर मेक हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इस हाफ को खोलते हैं, इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाने लगूँ, जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं दिखाई होगी, लेकिन मैं आपको इसके बारे में तफसील दे रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल पता लगे और किसी किस्म का कोई शुबा और शक की गुंजाइश न रहे। वैसे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए खोल रहा हूँ
ताकि आपको मैं इसकी तफसील दे सकूँ, ठीक है जी। अच्छा ये है इसका हाफ पोर्शन जो कि मैंने इसमें से निकाल लिया है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ आपको कोर नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको एक एलुमिनियम का एक रिंग सा नज़र आ रही है। ये अहम चीज़ है, इसको समझ लीजिए। ये क्या है? ये शेडेड पोल है। ये शेडेड पोल कहलाता है। एक शॉर्ट सर्किटिंग बैंड है, ठीक है जी, या एक चक्कर है, एक कॉयल का एक चक्कर है। और यहाँ पे भी ऐसे ही कॉयल का एक चक्कर है जो कि ये है, ठीक है। एल्युमिनियम की बनी हुई एक पतरी से बनाई हुई एक चक्कर है, ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट सर्किटिंग शेडेड पोल कहलाता है। शेडेड पोल ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा या आप इसको निकाल लेंगे इसमें से, तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर शोर मचाएगा, हमिंग करेगा, 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से हम करना शुरू कर देगा। कुछ कॉन्टैक्टर के ये यहाँ पे कचरा आ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, रफ इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पे इसमें मट्टी जम जाती है, तो वो कॉन्टैक्टर शोर मचाने लगता है। तो जब आप इसको साफ़ कर लेते हैं तो उस वक्त वो फिर सही हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से है, और फिर ये इसके अंदर फिक्स होता है ये सारा सामान, और ये जो है इस तरीके पे काम करता है। अब मैं नेक्स्ट जो है आपको इसका फंक्शन दिखाता हूँ। मीटर के ऊपर भी इसको टेस्ट करेंगे, और जो है तो फर्दर इसकी टेस्टिंग जो है वो हम बिजली से भी करेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। अभी मेरे पास ये दो वायर्स हैं, दो वायर के टुकड़े हैं, देखें, ठीक है जी। अभी ये हम इसको इसके साथ लगाएंगे, इसकी कॉयल के साथ। तो कॉयल के जो टर्मिनल हैं वो ये हैं, A2 और A1, ठीक है। तो इसके अंदर इन वायर्स को इस तरीके से लगा देते हैं, और केयर ये करनी है कि वायर इधर उधर जाए नहीं। जब आप रियल सर्किट पे काम करेंगे तो ये वायर निकली हुई नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बल्कि इसके अंदर तक गई होनी चाहिए, ताकि ये इधर उधर शॉर्ट सर्किट ना बनाए। बहरहाल ये दिखाना कोई ज़्यादा अहम नहीं है, ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फॉर द न्यू पीपल ये कर रहा हूँ कि इसको मैं सब तफसील के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हर बंदा समझ सके। अच्छा ये मैंने दो लगा दिए। अच्छा अब ये है कि सबसे पहले इसकी कॉइल टेस्टिंग के बारे में देखिए, कॉइल कैसे टेस्ट करते हैं। कॉइल टेस्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपना मल्टीमीटर लीजिए, ये क्लैंप है, एक्चुअली मल्टीमीटर इस वक्त मेरे पास नहीं है, ये गंदा मंदा सा क्लैंप यूनिटी का। देखिए मैं इसको कॉइल को टेस्ट करता हूँ, ओम पे रखिए इसको, ठीक है, और यहाँ पर टेस्ट कीजिए। ये देखें, ये 630 ओम्स की रेजिस्टेंस दिखा रहा है, अगर आपको नज़र आ रही है 630 ओम की रेजिस्टेंस इस कॉइल में है, 630 ओम, ठीक है, ये ठीक कॉइल की अलामत है। अभी हम ये करते हैं कि मैं आपको ये एनसी के टर्मिनल दिखा देता हूँ, जब पावर नहीं लगी हो तो एनसी के टर्मिनल। अच्छा इसके बाद मीटर को कंटिन्यूटी में चेंज कर देते हैं ताकि मुझे बीप सुनाई दे इस तरह की। अब मैं इसको पावर से मिलाता हूँ, ठीक है जी। देखिए जब मैं पावर में मिलाऊँगा तो ये क्लिक क्लिक करेगा, आवाज़ देगा अच्छी खासी ऑन होने में, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। अब हम इसके ये तीन फेज डेटा जो है, तीन फेज़ों का इसके कॉन्टैक्ट्स चेक करते हैं, ये वाले, ठीक है, ये आपस में बोलने चाहिए जब मैं इनको मिलाऊंगा मीटर। ये देखें पहला कॉन्टैक्ट सेट आपको बीप सुनाई दे रही है, दूसरा आपको बीप सुनाई दे रही है, तीसरा आपको बीप सुनाई देगी, ये हाँ जी, तीनों कॉन्टैक्ट मैंने टेस्ट कर लिए। अब ये जो एनो टॉप पे कॉन्टैक्ट है कंट्रोल के लिए, ये टेस्ट करते हैं, ये भी सुनाई दे रहा है। अब एनसी पे हमें नहीं मिलेगा, एनसी पे बीप नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त कॉन्टैक्टर ऑन है। ये देखें कॉन्टैक्टर ऑन है तो हमें बीप सुनाई नहीं दे रही। ये इसकी टेस्टिंग थी सप्लाई पे लगाते हुए, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से ये ऑन हो जाता है, और जब हम सप्लाई हटाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। ये देखें, ये ऑन, ये ऑफ, और ये ऑन, ये ऑफ और ये ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये मोटर को ऑन और ऑफ करता रहता है, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कॉन्टैक्टर का जो कि मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। मोटर के सर्किट के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ये एक बड़े साइज का रिले है, एक्चुअली एक रिले की तरह फंक्शन करता है, जिसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट के सेट हैं और एक कॉइल है। रिले के साथ आपका तारुफ होगा तो ये भी एक बड़े साइज का रिले है जो कि मोटर की सर्किट्स में बकसरत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हीटिंग के सर्किट्स में भी इस्तेमाल होता है, लाइटिंग में भी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, और जो है तो कैपेसिटर के कंट्रोल के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, वहाँ पर भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको सर्किट में भी दिखा दिया डायग्राम में सिंपल सा, उम्मीद है कि आप दोस्त समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गई है
तो वीडियो को एक बिग थम्स अप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है तो सब दोस्तों का फ़ायदा हो और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।